तो कल मैं ढूंढ रहा था विंडोज 10 के कुछ अमेजिंग फीचर्स दोस्तों, और आखिरकार मुझे मिल ही गए। अगर आप विंडोज 10 यूज करते हो और आपको जानना है विंडोज के कुछ अमेजिंग फीचर्स, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो और आप में एक कंप्यूटर का कीड़ा से मेरा मतलब है दोस्तों, आप कंप्यूटर में काम करना पसंद करते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर में काम करना पसंद करते हैं तो आपको ये फीचर्स का वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहला इंट्रो तो दे दूं। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर में टिप्स एंड ट्रिक्स और कंप्यूटर में बनना चाहते हैं स्मार्ट, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी दी है उस पर भी क्लिक करना होगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे। तो चलिए बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, कि अगर आपके पास है कुछ फैमिली फंक्शन के फोटोग्राफ्स और आप बनाना चाहते हो उसका एक अमेजिंग वीडियो, तो उसके लिए आपको एक वीडियो एडिटर डाउनलोड करने की अब जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर फोटोग्राफ्स है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, अगर आपके पास इस तरह से फोटोग्राफ है तो आप इसे एक साथ सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्रिएट वीडियो। जैसे आप क्रिएट वीडियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये वीडियो एडिटर ओपन हो जाता है। जी हाँ, ये विंडोज 10 के अंदर अवेलेबल है दोस्तों, और ये वीडियो एडिटर में काफी अमेजिंग फीचर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सभी फोटोग्राफ्स यहाँ पे ऐड हो गए, और इन फोटोग्राफ्स को आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे टाइमिंग के साथ फोटो की साइज, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर्स, उसके अंदर अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना है, एनिमेशन यानी मोशन देना है, या फिर आपको कोई 3D इफेक्ट्स भी ऐड करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। 3D इफेक्ट्स में मैं आपको दिखाता हूँ, काफी अमेजिंग 3D रेडीमेड इफेक्ट्स है जो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये अपने फोटोग्राफ्स में आ जाएगा। साथ ही साथ में आप यहाँ पे ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ थीम्स अवेलेबल है जिसके अंदर ऑडियो और कुछ टेक्स्ट की थीम्स अवेलेबल है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कैसे ऐड करना है, ये बहुत सिंपल है। बस आप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे टेक्स्ट कस्टमाइज करने के लिए आपको ऑप्शन दिया, वहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं, और पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट आपके पिक्चर्स के ऊपर दिखाई देगा। तो ये पिक्चर्स में अगर आपको म्यूजिक अप्लाई करना है तो ऑडियो ऑप्शंस में जाइए, ऑडियो में से आप ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, रिकमेंडेड ऑडियोस है या फिर आप खुद का भी ऑडियोस ले सकते हैं। तो अगर आपने ऑडियो सिलेक्ट किया और फिर यहां पे इसे नीचे प्ले कर दिया, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये किस तरह से बन चुका है। तो आप इस तरह से ये वीडियो बना सकते हैं, काफी अमेजिंग फीचर्स है, कुछ ही मिनटों में आपका ये वीडियो रेडी हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को बस एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे अलग अलग साइज आएगी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, आप सिलेक्ट कर सकते हैं वीडियो की साइज कौन सी चाहिए, और बस एक्सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए ये वीडियो कैसा है। तो चलिए, ये फीचर्स कैसे यूज करना है ये जान गई है जनता, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता। तो अब बढ़ते हैं दूसरे फीचर्स की ओर, और दूसरा फीचर ये है कि अगर आप आपके लैपटॉप को मोबाइल के हॉटस्पॉट की तरह यूज करना चाहते हैं, यानी कि लैपटॉप का जो इंटरनेट है वो आप मोबाइल की तरह हॉटस्पॉट तैयार करना चाहते हैं लैपटॉप के अंदर, तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। विंडोज 10 के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल है। उसके लिए करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको स्टार्ट के अंदर यहाँ पे हॉटस्पॉट लिखना है, तो हॉटस्पॉट जैसे आप लिखोगे ऊपर आएगा चेंज मोबाइल हॉटस्पॉट सेटिंग, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इसके अंदर आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करोगे आपका हॉटस्पॉट रेडी हो जाएगा, लेकिन एक मिनट रुकिए, हॉटस्पॉट को अगर आपको नाम देना है तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एडिट बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नाम और पासवर्ड आप सेट कीजिए। जैसे ये नाम और पासवर्ड सेट करेंगे तो आपके लैपटॉप के अंदर जो भी इंटरनेट कनेक्टेड है वो हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा, और आपके मोबाइल या अदर डिवाइसेस आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये काफी अमेजिंग फीचर मुझे लगा विंडोज 10 के अंदर, आपको भी लगा होगा दोस्तों। तो तीसरे फीचर के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुझे भी ये पता नहीं था, कुछ दिन पहले मैं भी इसे नहीं जानता था, लेकिन कल जैसे मैंने सर्च किया विंडोज के अंदर और मैंने देखा कि स्टार्ट बटन पे हम हमेशा लेफ्ट क्लिक करते हैं, लेकिन इस बार मैंने किया है राइट क्लिक। अगर राइट क्लिक करते हो तो क्या होता है आपको दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको फाइल एक्सप्लोरर, डिस्क मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजर, इनके शॉर्टकट आते हैं, यहां से आप इसे शॉर्टकटली एक्सेस कर सकते हैं। तो हमेशा लेफ्ट क्लिक करने से हमें स्टार्ट के ऑप्शन मिलते थे, लेकिन इस बार मैंने राइट क्लिक किया तो हमें ये शॉर्टकट ऑप्शंस भी मिल गए। तो चलिए इसका यूज कीजिए, एक हिडन फीचर है विंडोज के अंदर। और चौथे ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक लैपटॉप यूजर है तो आपको ये प्रॉब्लम तो जरूर फेस करनी पड़ती होगी। अगर आपने लैपटॉप लिया है और अगर वो लैपटॉप प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखते हैं तो वो मॉइस्चर पकड़ता है, और मॉइस्चर पकड़ने की वजह से उसका कीपैड वर्क नहीं करता है, और ऐसे कीपैड में 2-3 कीज वर्क नहीं करती। तो ऐसे समय में अगर आपकी 2-3 कीज वर्क नहीं कर रही है तो आपको अगर कीपैड एक्सेस करना है तो करेंगे क्या, तो सिंपली आपको स्टार्ट में OSK टाइप करना है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट में यहाँ पे सर्च में OSK टाइप कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए और आपको मिलता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगर आपकी कोई कीज नहीं चल रही तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि लैपटॉप के कीपैड का कीज नहीं चल रहा है तो आपको कीपैड बदल
खेलना होगा दोस्तों। और ज्यादातर एसर के लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मैंने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरा खुद का एसर का पहला लैपटॉप था दोस्तों, तो उसमें मैंने 2-3 बार कीपैड बदला था, और वो भी इसी की वजह से बदला था कि वो मॉइस्चर पकड़ता था और कुछ कीज यहाँ पे वर्क नहीं करती थी, कुछ कीज ऑटो प्रेस रहती थी, इसके लिए मैंने उसे बदल दिया दोस्तों। तो कीपैड बदलना तो जरूरी है, लेकिन अगर आपको कीपैड बदलना नहीं है तो उसके लिए टेम्पररी सॉल्यूशन मैंने बताया आपको कि आप स्टार्ट में OS के टाइप कीजिए, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आता है और ये कीबोर्ड आप यूज कर सकते हैं, कोई एक दो अल्फाबेट नहीं चल रहे और आपको टाइप करने है तो। और वैसे इसका यूज आप पासवर्ड एंटर करने के लिए भी कर सकते हैं, अगर आपके कीबोर्ड पे सपोज आप ऐसी जगह पे कहीं पे लॉग इन कर रहे हैं आपका बैंकिंग अकाउंट वगैरह जहां पे साइड कैमरेज अवेलेबल है, CCTV कैमरेज अवेलेबल है, आप क्या कीजिए उस टाइम पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज कीजिए। तो बहुत सारे वेबसाइट पे भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया रहता है, बैंकिंग के वेबसाइट पे आपने देखा होगा लॉगिन के नीचे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अवेलेबल रहता है, अगर आप बैंक की साइट लॉगिन करते हो तो आपको पता रहेगा दोस्तों। तो ये विंडोज का फीचर है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, शायद आपको पता नहीं था, इसके लिए आपके साथ शेयर किया, पता है तो कोई बात नहीं, अगले फीचर्स के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तो आखिरी फीचर्स के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों, आज की फीचर्स में ये आखिरी है, विंडोज के तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स है मैं शेयर करने जाऊंगा तो एक घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन ये 5 अमेजिंग फीचर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आखिरी फीचर्स में यहां पे मैं आपको बताऊं कि अगर आप सर्च में स्टोरेज लिखते हो और एंटर बटन प्रेस करते हो तो यहां पे आपके लोकल डिस्क ड्राइव का स्टोरेज डिटेल्स आ जाता है, यानी कि बाकी विंडोज में आप ये नहीं देख पाएंगे कि आपके डी ड्राइव के अंदर, सपोज मैं यहां पे दिखा दे तो आपको डी ड्राइव के अंदर कितने वीडियोज है, मतलब वीडियोज का स्टोरेज कितना है, म्यूजिक का स्टोरेज कितना है, डॉक्यूमेंट्स का स्टोरेज कितना है, पिक्चर्स का स्टोरेज कितना, यहां पे डिटेल में आपको दिखाई देता है। तो यहां पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका ड्राइव वीडियो से कितना भरा हुआ है, म्यूजिक से कितना भरा हुआ है, ये जज कर सकते हैं। तो काफी अमेजिंग फीचर्स है। तो दोस्तों ये थे विंडोज के 5 अमेजिंग फीचर्स, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा, नहीं किया तो आप कीजिए लाइक बटन पे क्लिक, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी पता चलने दीजिए कि विंडोज 10 के अंदर ये अमेजिंग फीचर्स अवेलेबल है। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन मेरे नए मेहमान से रिक्वेस्ट है कि खाना खा के जाना, नहीं 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 खाना नहीं दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना। तो चलिए मिलूंगा कुछ और कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लूंगा आपसे अलविदा, सीखते रहो सिखाते रहो, बाय बाय।